हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हो ट्रेडिंग थेरेपी। फिर से स्वागत करता हूं ट्रेडिंग थेरेपी के अंदर। फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन काम बड़ी बड़ी कर रही है। लगातार दूसरे दिन भी अप्रॉक्स आपको बहुत अच्छा खासा इन्हें ऑर्डर मिला है, जिस कारण से इस ऑर्डर के दम पर बहुत अच्छा रिटर्न अभी दे रही है। दोस्तों 12 सितंबर के दिन भी लगभग 1012 करोड़ का ऑर्डर मिला था, और फिर सेकेंड डे भी यानी कि 13 सितंबर को भी किंगडम ऑफ सऊदी अरब के द्वारा लगभग 1145 करोड़ के करीब इनको ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 380 KV के करीब ओवरहेडेड ट्रांसमिशंस बनाने के लिए मिला है। दोस्तों यह कंपनी आरपीजी ग्रुप का ही एक सब्सिडरी है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर सीएट, जो कंपनी के बारे में नाम जरूर आपने सुना होगा, सीएट जो टायर मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। वहीं पर बहुत सारा और भी कंपनियां हैं, जैसे जेंसर इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी है, आरपीजी लाइफ साइंस जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, राइजन आपने नाम सुने होंगे, एनर्जी सॉल्यूशंस आपको देती है। इसके अलावा भी बहुत सारा और कंपनी है, केईसी इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको सर्विसेज देती है। थोड़ा सा हम लोग केईसी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों अगर केईसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी आप देखोगे रेलवे से रिलेटेड भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, सिविल इंफ्रा रिलेटेड, सिविल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम करती है, फैक्ट्री को आपका डेवलप रीडेवलप करने का काम करती है। इसके अलावा सोलर रूफ आपने सुने होंगे, बहुत सारा ऐसे जगह आज के डेट में हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के तहत बहुत सारा सोलर पैनल लग रहे हैं, इस पर भी ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो स्मार्ट ग्रिड होते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, ये भी बनाने का काम करती है, ऑयल एंड पाइपलाइन बनाने का भी ये काम करती है। और इसके अलावे भी दोस्तों मैं बता दूं कि केबल्स बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के अंदर केबल्स बनाने का भी ये काम करती है। न्यूज है क्या, न्यूज में क्या इस खास है और क्या यह स्टॉक्स आगे भी मूव करने वाली है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ज्यादा संभावनाएं हैं कि आगे भी बहुत अच्छा मूव करने वाली है। तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न अभी के डेट में इन्वेस्टर को दी है। चलो डिस्कस करते हैं इसका कुछ फंडामेंटल और कुछ ऑर्डर्स बुक को। दोस्तों 23-24 के अंदर देखा जाए तो लगभग 7500 से ज्यादा का ऑर्डर इनको मिला हुआ था। यह आपका ईयरली बेसिस पर 30% से ज्यादा का इनका मतलब बढ़ोतरी है। दोस्तों यह जो लेटेस्ट का दो ऑर्डर है, जिसमें से लगभग 13 अगस्त को 1145 करोड़ को जो आपको किंगडम ऑफ सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है, और आपका नेक्स्ट आपका 12 अगस्त का जो एक दिन पीछे था आपका 1012 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है। इसके अलावा भी इनको बहुत सारा ऑर्डर और भी मिले हैं इस क्वार्टर के अंदर। 3 अगस्त को 1065 करोड़ और 18 अगस्त को 1007 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है। क्वार्टर फर्स्ट के अनुसार बोला जाए तो 4500 करोड़ का ऑर्डर मिला था, क्वार्टर टू में अभी तक 3000 प्लस का ऑर्डर मिल चुका है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए क्वार्टर फर्स्ट जब कंप्लीट हुई थी तो अप्रॉक्स 30125 करोड़ का ऑर्डर इनको मिल चुका है, यानी कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है। 12 सितंबर तक अभी के डेट में देखा जाए तो 38 करोड़ से भी ज्यादा इनके पास ऑर्डर बुक है। रिटर्न की थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं। रिटर्न की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे कि एक दिन के अंदर अप्रॉक्स आपको यहां बहुत अच्छा खासा यहां पर रिटर्न आपको दे रहा है, लगभग 2.5%। एक वीक में आपका 1% का अप्रॉक्स, और आपका एक महीने में 10% के अप्रॉक्स। वहीं पर 1 ईयर यानी कि लगभग एक साल में देखा जाए तो लगभग 56% का रिटर्न, 5 साल में 132% का रिटर्न। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करोगे तो फंडामेंटल्स आपका लगभग लगभग आप आज के डेट में बंद हुई है 683 रुपया पर। 52 वीक हाई है आपका 700 और लो है आपका 405। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 17562 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के अंदर शेयर है 25 करोड़ के अप्रॉक्स। पी रेशियो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा पी रेशियो नहीं होना चाहिए था, ये इसके लिए खराब चीज है। लेकिन पीबी रेशियो सही है, फेस वैल्यू भी सही है। डिविडेंड के लिए इस कंपनी के अंदर नहीं आ सकते हैं आप। बुक वैल्यू भी सही है, कैश कंपनी के पास कुछ है लेकिन डेट भी कुछ कंपनी के पास पड़ा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 51% का है, अर्निंग पर शेयर और अच्छा होना चाहिए था। सेल्स ग्रोथ भी अप्रॉक्स सही है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के अंदर बहुत अच्छा नहीं दिख रही है। इसके बावजूद भी कंपनी का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आपका प्रमोटर्स होल्डिंग पैटर्न, इससे भी बहुत सारा चीज हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग में लगभग 51% आपका आरपीजी ग्रुप को मिला है, डीआईआई को 26% और एफआईआई को 11% का स्टेक है। इसका मतलब यह हुआ कि एफआईआई के साथ साथ प्रमोटर्स भी इस कंपनी पर भरोसा रखते हैं। प्रमोटर्स का जो होल्डिंग
ट्रेंडिंग है, लगभग कांस्टेंट है, लगातार एक गिर नहीं रही है। यहाँ देख सकते हो 51% लगातार यहाँ पर बना हुआ है। यह इस कंपनी के लिए बढ़िया है। अभी के डेट में लगातार इस साल से बहुत अच्छा इनको ऑर्डर मिलने के कारण इस कंपनी ने अपना टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अनुसार बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दी है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को दे दी है। आप ध्यान से देखोगे तो एक प्राइस पॉइंट थी जिसके अंदर अप्रॉक्स मार्केट घूम रही थी, और इस घूमने के साथ साथ आपको यहां पर दिखेगा 300 से 400 के रेंज में लगातार ये मार्केट मूव कर रही थी इसी प्राइस पॉइंट पर। और फिर क्या होता है आपका 2022 के बाद ये मार्केट में फिर से इसका एक रिबाउंड आता है और यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रॉक्स 600 का रेंज को टच करती है और फिर से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। फिर से अगर आज के डेट में जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हो सकता है इस ऑर्डर के दम पर ये बहुत अच्छा और भी ये आपको रिटर्न दे दे। दोस्तों इसका बिजनेस 110 देश के अंदर, अगर 110 कंट्री की बात किया जाए तो 110 देशों के अंदर इसका बिजनेस अभी के डेट में रन कर रही है। ट्रांसमिशंस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशंस, आपका रेलवे, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, ऑयल एंड गैस एंड केबल के रिलेटेड आपका बिजनेस करती है। 30 से ज्यादा कंट्री के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करती है, जिसके अंदर आपका पावर ट्रांसमिशंस के अलावा भी बहुत सारा और भी है जो काम करती है। 110 देशों के साथ अपना प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 80 प्लस कंट्री के साथ केबल इंडस्ट्री मतलब केबल का ये डिस्ट्रीब्यूशंस करने का काम ये अभी कर रही है। 65 प्लस कंट्री ऐसे हैं जिनके अंदर टावर सप्लाई कर रही है। देखा जाए तो एक कंपनी के पास ऑर्डर बुक भरा हुआ है। बोला जाता है कि अगर आपके खाने के थाली के ऊपर बहुत सारा फूड है तो आपका इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जिंदगी कहीं ना कहीं खुशहाल बीत रही है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर भी आप अगर चाहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चल सकते हैं लेकर, हाँ एक बार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेना। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि कभी भी अगर ये सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एवरेजिंग करके जरूर चलना। लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स है आपका तब ये कंपनी बढ़िया है। हाँ पी रेशियो के अनुसार ये कंपनी देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि पी रेशियो इस कंपनी का थोड़ा यहाँ पर देख सकते हो ज्यादा है आपका, जिस कारण से सिर्फ कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि पी रेशियो का मतलब सिंपल ये होता है कि आप एक रुपया कमाने के लिए, बाय द वे आप एक रुपया कमाने के लिए आप कंपनी को कितना रुपया पेमेंट कर रहे हो, तो 200 रुपया पेमेंट कर रहे हो। ऐसा देखा गया है कि अगर आपका पी रेशियो 10 से लेकर 30 के करीब है तो आइडियल माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा और भी रेशियो है जिसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे हम साइलों को मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।